हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं सारी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मोनाल की दो प्रजातियां पाई गई। तो मोनाल की दो प्रजातियां किस राज्य में पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर बीडी मिश्रा है और अरुणाचल प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में किसे रेफरी बनाया है? तो किसे रेफरी बनाया है? क्रिस ब्रॉन्ड को इन्होंने इस रेफरी बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में। वहीं माइकल गफ और रिचर्ड इलिंगवर्थ की बात करें तो ये लोग, ये दोनों फील्ड एम्पायर के रूप में इसमें दिखेंगे इस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कॉर्पेट नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंडो थाई कॉर्पेट नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है इंडो थाई, यानी ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा बहुत है और थाईलैंड के वर्तमान में पीएम यानी प्रधानमंत्री प्रयात चान ओ चा है। हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? ठीक है, तो इस इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? ऑकलैंड शीर्ष पे रहा है। ठीक है, नंबर वन पे ऑकलैंड आया है, नंबर टू पे ओसाका रहा है, नंबर थ्री पे एडी लीड रहा है। ठीक है, जो ऑकलैंड है या किस देश का शहर है? तो ये न्यूजीलैंड का शहर है। ओसाका तो हम लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर है, ये जापान का शहर है। वहीं एडी लीड कहाँ का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है, इस इंडेक्स में टोटल विश्व के 140 शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। और ये इंडेक्स क्यों जारी करता है? तो ये स्वास्थ्य, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मानव के लिए रहने योग्य जो शहर ज़्यादा टॉप लिस्टेड होता है उन्हीं को ये लिस्टेड करता है। तो इसी के साथ ऑकलैंड जो है दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा रहने योग्य शहर बन गया है। ठीक है, अब ये EIU ने जारी किया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। EIU का पूर्ण रूप होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया? संजय यादव को नियुक्त किया है। ठीक है, संजय यादव इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करते थे। ठीक है, हाल ही में असम का सातवां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? तो असम का सातवां राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? देहिंग पटकाई बन गया है। ठीक है, इसे देहिंग पटकाई को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रायमोना जो है असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ आज के डेट में देहिंग को सातवां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चूंकि ये असम में है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी है। असम के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, यहाँ पर ही एक मिसिंग है, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है, 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर COVID-19 केयर नामक ई बुक जारी किया है। तो इस ई बुक को किसने जारी किया है? इस बुक को जारी किया है किरण रिजू ने जारी किया है। ठीक है, 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर COVID-19 केयर, ये एक प्रकार का ई बुक है जिसमें 20 ऐसे प्लांट्स के बारे में पूरा पूर्ण रूप से जानकारी दिया गया है जो COVID-19 के इलाज में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है या निभा सकता है। ठीक है, इसके इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दी है। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका मूल क्या है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस बुक में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहे, नंबर वन पे रहे, उड़ीसा वहीं दो रैंक पे रहे और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पे रहे। ठीक है, तो शीर्ष में कौन रहा? शीर्ष में मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इससे पहले जब ये इंडेक्स हुआ था 2018-19 के इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का स्थान 18वें नंबर पर था। ठीक है, अब डायरेक्ट जब 2020-21 का इंडेक्स जारी हुआ है तो डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश
तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं, तो इस बार बहुत ही ज्यादा मतलब ये चर्चा का विषय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो लीगल बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया अल सल्वाडोर बन गया है। ठीक है, अल सल्वाडोर है मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, इसने ही बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया। बिटकॉइन होता क्या है, बिटकॉइन एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी को इसने माने मान्यता रूप में दे दी है। ठीक है, अब अल सल्वाडोर है तो अल सल्वाडोर का ये फ्लैग है, इसके बारे में जान लेते हैं। अल सल्वाडोर की राजधानी सान अल सल्वाडोर है, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति नई बुकेले है और इसकी मुद्रा कौन सी है, डॉलर है। ठीक है, यूएसए डॉलर। अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाल ही में असम ने कितने नई कमांडो बटालियन के गठन की घोषणा की है। तो असम कितने नए बटालियन कमांड की करेगा, 10 बटालियन। ठीक है, 10 बटालियन कमांड की घोषणा करेगा। अब यहाँ असम का जिक्र आया तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी है, असम के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न को देखने का। तो प्रश्न था, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा। तो ये कहाँ स्थापित होगा, गुजरात में स्थापित होगा। अब आज का प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, यहाँ पे 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर COVID-19 केयर नामक ई बुक जारी किया है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।